नमस्कार दोस्तों, सूर्या फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लाभ हानि और बट्टा के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि लाभ का मतलब प्रॉफिट और हानि का मतलब लॉस और बट्टा का मतलब डिस्काउंट होता है। अब कोई भी क्रय मूल्य जिसे कहते हैं कास्ट प्राइस, विक्रय मूल्य जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य मतलब कि जो आपका सेलिंग प्राइस है माइनस कास्ट प्राइस कर देते हैं तो ये आ जाता है प्रॉफिट। और लॉस इक्वल होता है आपका कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट इनटू हंड्रेड अपॉन कास्ट प्राइस होता है, और लॉस इनटू हंड्रेड अपॉन होता है कास्ट प्राइस, इसे कहते हैं परसेंटेज लॉस। इतना आप लोग जानते होंगे, ये फार्मूला है। फार्मूला के बाद अगर अब दोस्तों आपको अगर विक्रय मूल्य मालूम है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस जिसे सेलिंग प्राइस, अब क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस जिसे सीपी कहते हैं, और इसे पूरा आप मिटा के एसपी सेलिंग प्राइस कहते हैं। ये मालूम हो परसेंटेज लाभ मालूम हो इन तीनों में क्या संबंध होता है इसको जानना जरूरी है। अगर हमें विक्रय मूल्य इक्वल टू फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणते मल्टीप्लाई 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट जो होता है 100 प्लस परसेंटेज लाभ प्रतिशत लाभ बट्टा आपका टोटल। ये जैसे विक्रय मूल्य मालूम है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणते 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100, ये फार्मूला है। अगर प्रतिशत लाभ हुआ तो प्लस, अगर हानि हुआ तो प्रतिशत। यहाँ पे इसी फार्मूला में विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणते 100 माइनस प्रतिशत हानि जितनी हुई वो अपान 100 करके ये फार्मूला ये होता है निकाल सकते हैं। इसी तरह क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों का संबंध, विक्रय मूल्य बराबर अगर विक्रय मूल्य मालूम है आपको, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस ना, विक्रय मूल्य इनटू 100, यहाँ पे प्रतिशत लाभ है तो प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100 हो जाएगा। और दूसरा होता है विक्रय मूल्य इनटू 100 माइनस परसेंटेज लॉस अपॉन 100, ये फार्मूला होता है क्रय मूल्य निकालने का। मतलब इसको हम लिखते हैं विक्रय मूल्य को कास्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस इनटू 100 प्लस परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट अपॉन 100, और कास्ट प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस परसेंटेज, प्लस क्या होता है जब प्रॉफिट होती है, लॉस क्या होता है जब लॉस होता है तो माइनस होता है अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप लोग को बहुत पहले से ही 6th क्लास 7th क्लास और 8th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। जब इतना मालूम हो गया है तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अब रही बात बट्टा की, बट्टा आप लोग जानते हैं, बट्टा का मतलब वही परसेंटेज छूट, ये डिस्काउंट मतलब होता है परसेंटेज,
डिस्काउंट को ही हम परसेंटेज बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में उसे बट्टा कहते हैं, उसे डिस्काउंट कहते हैं, जो आपका परसेंटेज होता है, प्रतिशत, मतलब 100 पे कितना डिस्काउंट है, मतलब कम है, छूट है, बट्टा है, इसी को कहते हैं हम डिस्काउंट। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन वन है, एक रेडियो को 1600 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। यहाँ पे 15% का लाभ हो, ऑप्शन में दिया है 1650, 1700, 1800, 1840 रुपया, आपको मालूम होगा। अब कितने में बेचा जाए, यानी सेलिंग प्राइस इक्वल, फार्मूला आप जानते हैं, कास्ट प्राइस इनटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100, यही फार्मूला है। तो कितने में बेचा जाए, सेलिंग प्राइस आपका पूछा है, और कास्ट प्राइस दे रखा है, कास्ट प्राइस कितना है, 1600 रुपया ना, परसेंटेज प्रॉफिट लाभ, परसेंटेज लाभ कितना है, 15%, तो ये सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1600 इंटू 100 प्लस पर प्रॉफिट परसेंटेज 15/100, सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा ये 1600 इंटू, समझ में आ गया, 1600 इंटू इसको प्लस कर लेंगे 100, 15/100 हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 2 10, 5 3 15 ना, ये और ये 5 से काटेंगे 20 हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1600 इंटू 23/20, ये जीरो से कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 2 8 16 जीरो, ये 80 इंटू 30, अब ये जीरो, 8 3 24 कहीं 4, 8 2 16, 2 18, इतना रुपया आंसर आपका, ऑप्शन ए बी सी नहीं डी, 1840 रुपया सी सही हुआ है। समझ में आया क्वेश्चन, कितना सरल था, कितना सिंपल, ये फार्मूला याद है तो आप कर सकते हैं तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब एक वस्तु को 960 रुपए में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कास्ट प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, और प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, 20% का प्रॉफिट पूछा क्या है, कास्ट प्राइस। अब आप कॉस्ट प्राइस का फार्मूला जानते हैं, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू, यहाँ पे फार्मूला होता है 100/100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट ये फार्मूला में हम पुट कर देंगे, 960 इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 20 का कर दिया, ये 960 इंटू 100/ ये 120 हो जाएगा, ये जीरो जीरो से कटेगा, 2 12 1 12 12 8 96 जीरो हो गया, इक्वल टू 80 इंटू 10 इक्वल टू 800 रुपीस आ गया, ऑप्शन में आपका ए सही है, ए सही हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन, यदि 50 कलम का क्रय मूल्य 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा, इतना इतना ऑप्शन में दे रखा है, कितना अच्छा, 50 कलम का क्रय मूल्य 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो, अगर ऐसा जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर या 10 या कोई वस्तु का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर जब ऐसा आए तो प्रतिशत लाभ या हानि पूछता है,
तो सीधा सीधा फार्मूला है प्रतिशत लाभ या हानि इक्वल खरीदी गई वस्तु खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु अपान बेची गई वस्तु इन 200 फार्मूला प्रतिशत लाभ या हान खरीदी गई वस्तु 50 कलम का क्रय मूल्य यानी खरीदी गई 60 कलम के विक्रय मूल्य यानी बेची गई मूल्य 60 कलम गुणते 100 कर दीजिए फटाफट आपका आंसर आ गया 50 - 60 / 60 खरीदी गई वस्तु 50 कलम का क्रय मूल्य खरीदी गई 60 कलम के विक्रय मूल्य बेची गई वस्तु फिर बेची गई वस्तु विक्रय मूल्य गुणते 100 समझ में आ गया होगा ये ऊपर आ गया 10 माइनस में अपान 60 गुणते 100 समझ में आ गया ये 0 0 से कट गया यानी -100/6 भाग दे देंगे तो माइनस चिन्ह हानि को बोध करता है माइनस चिन्ह होने का मतलब कि हानि होगा 6 का इसमें भाग देंगे 16 सहित 2/3% हानि होगा जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 सहित 2/3 आएगा अब माइनस चिन्ह ये हानि को शो करता है कि माइनस होने से हानि हो रही है यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा समझ में आया अगर समझ में आ गया तो इसको और दूसरे मतलब ट्रिक से दूसरे तरह से भी बता सकते हैं ये तो ट्रिकी फार्मूला था फार्मूला में आप कर लिए अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के हिसाब से भी आप कर सकते हैं आप दूसरा इसका जो है स्टेप देख सकते हैं मान लीजिए सीधा सीधा 60 कलम का विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे मान लीजिए एक कलम का एक मूल्य तो 50 कलम का 50 रुपया हो जाएगा और 60 कलम का 60 रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य तो 60 कलम का विक्रय मूल्य के बराबर है कितना 50 कलम का क्रय मूल्य ना 50 कलम का क्रय मूल्य 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो ये 50 कलम का क्रय मूल्य 50 रुपया हुआ 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ समझ में आ गया तो एक कलम का कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 50/60 हो जाएगा 60 कलम विक्रय कर रहा है तो 60 कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 50 * 60/60 ये फार्मूला से हो जाएगा सॉरी 50 कलम का तो यहां 50 कर देंगे 0 0 से कट गया 5 * 25 / 6 भाग दे देंगे 5 * 25 = 6 2 से काट देंगे 2 3 6 2 1 2 2 2 4 2 5 10 बराबर 125/3 इसे भी 125/3 जो आया ये क्या है 50 कलम का क्रय मूल्य 50 रुपया विक्रय मूल्य 125/3 रुपया इसको घटा देंगे तो 150 रुपया इसमें गुणा कर देंगे -125 रुपया टोटल अपान 3 यानी 25/3 को हम डिवाइड कर देंगे प्रतिशत हानि इतना हानि हो गया ये हानि निकला ये क्या निकला आपका हानि निकला ना तो प्रतिशत हानि बराबर हानि
गुणुते 100/50, इसमें 100 का गुणा करके 50 से भाग दे देंगे, यही आंसर आपका आ जाएगा। ये दूसरा विधि हुआ, ये विधि ये फार्मूला सबसे अच्छा है, इससे आप कर लेंगे तुरंत आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार 75 किताबें बेचता है और 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 75 किताबें बेचता है तो 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर उसका लाभ हो जाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? आप पिछला जो वीडियो देखे होंगे कहेंगे सर उसी फार्मूले में रख दिया जाएगा, नहीं, इसमें देखिए कुछ अलग है। 75 किताब 75 किताबें बेचता है तो आप मान लीजिए, माना एक किताब ₹1 में बेचता है तो 75 किताब बेचेगा कितने में? ₹75 में। तो 15 किताब जो है ये भी बेचेगा कितने में? ₹15 में। तो 75 किताब ₹75 में बेच रहा है, 15 किताब ₹15 में बेच रहा है, लेकिन जो ये 75 किताब बेचा, ये किताब ₹1 में बेच रहा है, तो 75 किताब ₹75 में, तो 15 किताब ₹15 में बेचा, लेकिन अब उसको 15 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ। तो लाभ बराबर लाभ उसको कितना हो रहा है? ₹15 का। 15 किताब ₹15 में बेचा तो ₹15 का लाभ हुआ। तो 75 किताब का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर ₹75 में तो बेचा है, लाभ ₹15 घटा देंगे तो ₹60 आ जाएगा, यही उसका क्रय मूल्य हुआ। समझ में आ गया? इतने में वो खरीदा था, ₹60 में 75 किताबें खरीदा था, तो बेचा वो ₹75 में, तो ₹15 का लाभ हुआ ना। 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर 15 किताब ₹15 में बेचता है तो उसके बराबर लाभ हुआ, तो ₹60 उसका क्रय मूल्य हुआ। अब प्रतिशत लाभ या हानि, तो लाभ हुआ है तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणते 100/ क्रय मूल्य, यही फार्मूला होता है, यानी कास्ट प्राइस। लाभ कितना है? 15 किताब के बराबर तो ₹15 लाभ गुणते 100/ आपका 60, 75 किताब का क्रय मूल्य। ये जीरो से कट गया, ये देखिए 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 और 5 बचा, 5 × 5 बराबर 5 × 5 = 25 प्रतिशत क्या हुआ? लाभ। समझ में आ गया होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आया? कितना अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दुकानदार 60 कलम बेचता है, 20 कलमों के बराबर लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए कितना? अच्छा है, दुकानदार 60 कलम बेचता है, 20 कलमों के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? कितना अच्छा सरल। तो प्रतिशत लाभ लाभ गुणते 100/ क्रय मूल्य, यही फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ के लिए। कह रहा है एक दुकानदार 60 कलम बेचता है, 60 माना एक कलम ₹1 की, तो 60 कलम ₹60 की एक खरीदा, 20 कलमों के बराबर लाभ होता है, तो 20 कलम का
20 रुपया। जब 60 कलम बेचता है, समझ रहे हैं ना, क्रय मूल्य हो गया 60 कलमों का क्रय मूल्य, 60 कलम का 60 रुपया, 20 कलम के बराबर 20 रुपया, ये लाभ हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन से? तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ 20 × 100 बट्टा क्रय मूल्य 60, ये 0 0 से कट गया, ये गुणा कर देंगे 200/6, 200 में 6 का हम भाग दे देंगे तो 33 सही 1/3% लाभ आ जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आपका ऑप्शन ए बी सी डी सही होगा, 33 सही 1/3% लाभ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर आप नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे हमारा रोज का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।